Hello students, welcome you all. Today we will study agriculture and its related terms. Students, जैसा कि आपने देखा होगा कि जितने भी competitive exams होते हैं उनमें agriculture terms से related question जरूर पूछा जाता है कि agriculture से related कोई भी word जो है वो Latin word है, Greek word है, French है या Arabic. तो आज का हमारा topic इसी पर based है. Let's start topic. द फर्स्ट टर्म इज लैटिन टर्म्स. तो जब हम लैटिन टर्म्स की बात करते हैं तो लैटिन टर्म्स की पहचान यह होगी कि जितने भी शब्द होते हैं उनके एंड में कल्चर शब्द सुनाई देगा. तो लेट्स सी एग्जांपल. द एग्जांपल ऑफ लैटिन टर्म्स आर एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, ओलेरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर. तो यहां हमने देखा है कि सभी वर्ड्स के लास्ट में क्या रहा है, कल्चर. तो लैटिन वर्ड की पहचान है कल्चर. कुछ एक्सेप्शन भी है जिस जो कि लैटिन टर्म्स के अंतर आते हैं, जैसे कि फंजीसाइड, एक्सटेंशन, इवोल्यूशन, मार्केट, सेल, क्रेडिट, सोसाइटी. तो जितने भी कल्चर वर्ड थे वो तो लैटिन में आते ही हैं, लेकिन ये वाले एग्जांपल भी मेजर एग्जांपल है जो कि लैटिन टर्म्स में आते हैं. फिर नेक्स्ट टर्म है हमारी ग्रीक टर्म्स. तो ग्रीक टर्म्स की पहचान क्या होगी, जितने भी ग्रीक टर्म्स है उनमें या तो शब्द के लास्ट में लॉजी शब्द होगा या नोमी. लेट्स सी इट्स एग्जांपल. द फर्स्ट इज एग्रोनोमी. आर्थ्रोपोडा, एंजाइम, इकोलॉजी, एंटोमोलॉजी, निमेटोड, मेटीरोलॉजी, पेडोलॉजी, प्लास्टिड एंड फाइटोपैथोलॉजी. तो यहां मैंने आपको बताया है कि जिन शब्दों के पीछे लोजी या नोमी लगा होगा वह सभी शब्द क्या होंगे, ग्रीक वर्ड होंगे. लेकिन इसके अलावा आप इसके अंदर जो एक्सेप्शन है उनको भी आप अच्छी तरह याद कर लेना, जैसे कि एंजाइम हुआ, आर्थ्रोपोडा, नेमेटोड. तो ये कुछ मेजर इनके एग्जाम्पल है जो सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं. नेक्स्ट टर्म है फ्रेंच. कुछ वर्ड्स जो है फ्रेंच से भी है, तो उसका एग्जाम्पल है ट्रक गार्डनिंग और नेक्स्ट एग्जांपल है वुल्गेराइजेशन. तो ट्रक गार्डनिंग और वुल्गेराइजेशन ये ऐसे दो एग्जांपल हैं जो कि फ्रेंच से भी पूछे जाते हैं, फ्रेंच टर्म्स में भी आते हैं. नेक्स्ट है हमारे टर्म्स अरेबिक. अरेबिक जो वर्ड है इसका एग्जांपल है मानसून. मानसून वर्ड जो है अरेबिक से, अरेबिक लैंग्वेज से आया है. और नेक्स्ट है लैटिन ग्रीक वर्ड. लैटिन ग्रीक वर्ड मैंने आपको पोमोलॉजी में बताया था, हमारे जो पीछे लेक्चर है उसमें मैंने आपको बताया था कि पोमोलॉजी ड्रिवन फ्रॉम लैटिन एंड ग्रीक वर्ड. एंड द लास्ट वन इज है संस्कृत. संस्कृत लैंग्वेज से कौन सा वर्ड लिया गया है, सुगर केन. तो ये हमारे कुछ बेसिक एग्जाम्पल थे. लेट सी दीज टर्म्स ब्रीफ डिस्क्रिप्शन. द फर्स्ट वन इज एग्रीकल्चर. एज आई अर्लियर टोल्ड यू दैट ऑल कल्चर वर्ड्स कम्स अंडर लैटिन वर्ड, लैटिन टर्म्स. सबसे पहले जैसे हमने बात की है एग्रीकल्चर. तो एग्रीकल्चर क्या है, एग्रीकल्चर इज एन एक्टिविटी और साइंस विच डील्स विद फार्मिंग एंड कल्टिवेशन ऑफ सोइल टू प्रोड्यूस क्रॉप, रियरिंग एनिमल्स एंड एटसेट्रा टू गेट फूड फाइबर फ्यूल. यानी एग्रीकल्चर क्या है, एग्रीकल्चर वह साइंस है जिसमें सोइल कल्टीवेशन से संबंधित सभी क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, चाहे वह फार्मिंग है, चाहे क्रॉप प्रोडक्शन है और चाहे पशुपालन है. फिर नेक्स्ट टर्म है हमारी एग्रोनॉमी. एग्रोनॉमी इज अ ग्रीक टर्म. इट ड्राइव फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, एग्रो मीन्स फील्ड एंड नोमोस मीन्स मैनेजमेंट. यानी एग्रोनॉमी का मतलब हुआ कि वह साइंस, कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत क्षेत्र प्रबंधन से संबंधित क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है. द नेक्स्ट टर्म इज ओलेरिकल्चर. ओलेरिकल्चर इज अ लैटिन टर्म. इट ड्राइव फ्रॉम टू वर्ड्स, ओलेरिस मीन्स पॉट हर्ब्स, पॉट हर्ब्स और वी कैन से नॉन वुडी और हर्बेशियस. एंड कल्चर मीन्स कल्टिवेशन, सो वी कैन से इट इज अ कल्टिवेशन और पॉट हर्ब्स, पॉट हर्ब्स. यानी ओलेरिकल्चर क्या है, ओलेरिकल्चर इज द स्टडी ऑफ वेजिटेबल ग्रोइंग. वेजिटेबल ग्रोइंग, वेजिटेबल क्या होती है, वेजिटेबल होती है नॉन वुडी और हर्बेशियस. तो ओलेरिकल्चर इज द स्टडी ऑफ वेजिटेबल ग्रोइंग, सब्जियों का अध्ययन करना ही ओलेरिकल्चर है. और नेक्स्ट टर्म इज मानसून. मानसून इज
an Arabic word, it derived from mausim, which means monsoon. Next have na nematode. Nematode is a Greek term. It derived from two words. Nema means thread or toid means form. Or we can say nematode means to study about thread-like organism. Our next term is ecology. Ecology is a Greek term. It derived from two words. Oikos. Oikos means house and logy means study. The next one is entomology. Entomology, jise hum kit vigyan kehte hain. Entomology is a Greek word. It derived from two words. Entomo means insect. Insect ko hum agar means dekhe to insect means to cut into. Or logy means study. Or we can say entomology is the branch of agriculture which deals with the study of insect. Next hai pedology. Pedology is a Greek term. It derived from two words. Pedon means soil or logy means study. So we can say pedology is the study of soil. Next term is fungicide. It derived from two Latin words. Fungus. Fungus means fungi. Or cido. Cido means kill. So we can say fungicide is a chemical which is used to kill fungi. Next term is in vitro and in vivo. In vitro and in vivo, both terms are Latin terms. Let's see first of all in vitro. In vitro means within the glass, or we can say all activity that takes place in test tube. Its example are in vitro fertilization. तो in vitro से हमने क्या समझा है? In vitro का मतलब है जो भी activity glass के अंदर होती है, test tube में होती है, वो सब आती है in vitro के अंदर. Next है, next and last है in vivo. In vivo also a Latin term. तो in vivo का मतलब है within the living, यानी जो living organism, जो living organism में जो activity होती है, वैसे भी क्या है? इन वीवो के अंतर्गत आती है. तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिफरेंट एग्रीकल्चर टर्म्स को स्टडी किया है और नेक्स्ट टॉपिक विल बी ऑन डिफरेंट सेक्स फॉर्म इन हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स. थैंक्स, कीप वाचिंग डॉक्टर सरोज छिंपा एग्री क्लासेस.